गाड़ी चली हुई है मात्र 134 किलोमीटर, 3 महीने पुरानी है, 2023 के मार्च की गाड़ी है। क्या बात कर रहे हैं, यहाँ भी पन्नी भाई वैसे ही लगा, उस साइड पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर भी आप पूरा देख सकते हैं भाई, मतलब मैं बता नहीं सकती भाई, ये सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये स्टेपनी आप देख सकते हैं, ये आपको मार्का दिख रहा होगा भाई, जो न्यू स्टेपनी भाई अपने भाइयों को, नई पुरानी वाली वर्जन, नई वाली वेरिएंट, 2021 मॉडल, 18,000 किलोमीटर चली हुई। अच्छा, ये मुश्किल है, जहाँ भी मिल रहा है मैं इनको दिखा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा नामुमकिन है, हम लोगों को 6-6 महीने लग जा रहे हैं इसको प्रोक्योर कर। रेनो की क्विड अब वीडियो में नहीं आती है ना, तो शायद मजा नहीं आता है वीडियो सही में। बात है, अपनी न्यू कार 2020 मॉडल चली हुई 18,000 किलोमीटर, ठीक, डैटसन रेडी गो टी, ये न्यूएस्ट वर्जन है डैटसन रेडी गो का। तो भाई इसके लिए आपको पे करने हैं मात्र 2,99,000 रुपए, 2,99,000 इग्निस दे रहे हैं आप इस रेट में, क्या भाई टॉप मॉडल दे रहे हैं, ऑनरशिप फर्स्ट दे रहे हैं, नॉन एक्सीडेंटल की भी गारंटी दे रहे हैं भाई। तो और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं भाई, 1.5 लाख में आप ऐसे उम्मीद लगा के तो नहीं निकलते कि बढ़िया गाड़ी मिले, लेकिन ये गाड़ी एक्चुअल में आपको 1.5 लाख प्राइस फिगर में बहुत बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रोमिंग बाय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो भाई फिर से एक मेरा आप लोगों से सवाल है कि अगर आपने सेकंड हैंड कार में कोई कार देखी है तो उसका कम से कम किलोमीटर आपने क्या देखा है। अगर आप मेरे वीडियो से भाई गाड़ियाँ देखते हो सेकेंड हैंड में बिहार में, तो आपने शायद से देखा होगा 5,000 चली हुई, 6,000 चली हुई, उससे नीचे भाई मैंने नहीं दिखाया है। तो आज की इस वीडियो को भी आप लोग याद रखने वाले हैं, क्योंकि आज जो मैं करने वाला हूँ ना, आज जितनी कम चली हुई गाड़ी मैं दिखाने वाला हूँ, शायद से भाई आने वाले फ्यूचर में भी इतना कम चला हुआ मैं गाड़ी आपको नहीं दिखा पाऊँगा। क्योंकि आज की जो गाड़ी है भाई, जो चली हुई है, वो 2000 भी नहीं, 1000 भी नहीं, 500 किलोमीटर भी नहीं, 150 किलोमीटर भी नहीं, 134 किलोमीटर चली हुई आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। क्या है इसकी कंडीशन, आप अंदर लगी हुई पन्नी से भाई पता लगा सकेंगे। ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हो भाई, तो ये है इस गाड़ी की कंडीशन। तो अगर आप एक सेकंड हैंड कार लेना चाह रहे थे, आज की इस वीडियो को देखिए, क्योंकि भाई ऐसी ऐसे स्टॉक मैं दिखाऊंगा आपको, आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई जहां पे इस तरह की गाड़ियां आ सकती है वहां पे प्राइस और गाड़ियां किस तरह की होगी। भाई ट्यूवी भी आ चुकी है, ट्यूवी का आप लोग डिमांड कर रहे थे, आई एम रियली सॉरी बहुत कम दिखा पा रहा हूँ, लेकिन भाई जैसे जैसे स्टॉक में जहाँ भी आ रहा है मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, तो ट्यूवी दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे फोर्ड की इको स्पोर्ट 0011 गाड़ी का नंबर, 1000 गाड़ी का नंबर, क्विड है, उस साइड में भी गाड़ियाँ लग रही है भाई, तो वो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो में आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। उसके साथ साथ आप बोर्ड भी देख लीजिए, HN ऑटोमोबाइल, जो कि एम्स गोलंबर के पास में, एम्स हॉस्पिटल के पास में, पटना में पड़ता है। तो वीडियो में आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। लोन के भी भाई फैसिलिटी ऑल ओवर बिहार ये प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मिलते हैं यहाँ के ऑनर से, मिलते हैं यहाँ पे हर्ष भाई से, और फिर एक एक करके पूरी डिटेल लेते हैं। तो चलिए ना वीडियो को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भाई फिर आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मिल लेते हैं HN ऑटोमोबाइल के ऑनर से, मिलते हैं यहाँ पे हर्ष भाई से। तो हर्ष भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक जेन्युइन मेरा क्वेश्चन है आपसे भैया, आज जो आप चीज लेकर आए हैं, जितनी कम चली हुई गाड़ी लेकर आए हैं, ये तो देख के ऐसा ही लग रहा है कि मतलब आप शोरूम के बाहर से ही चाबी ले लिए कि भैया हमें दे दीजिए, हमें हमारे भाइयों के लिए लेकर। ऐसा नहीं, अपना ये कोशिश होता है, अपना ये कोशिश होता है कि जितनी भी गाड़ियां हैं बहुत कम चली हुई मिल जाए। अच्छा, अच्छी से अच्छी मिल जाए। और ऐसे भी सिर्फ वही गाड़ी नहीं, आज जो भी गाड़ी अपने कलेक्शन में है वो रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है हमारे भी कलेक्शन से, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ हैं बिल्कुल आपको मिंट कंडीशन में मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो भी गाड़ियाँ हैं उसको प्रोक्योर करना बहुत इजी नहीं है। सही बात है, मुश्किल है, क्योंकि भाई डिमांड भी कहीं ना कहीं लोगों की वही है भाई। तो आज ऐसी ऐसी गाड़ियाँ स्टॉक में है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपसे मिस हो। आप देख सकते हो ये लाइनअप है, उस साइड पर लाइनअप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखा रहे हैं भैया, अपने अंदर जो वो है ना एक्साइटमेंट की कितनी जल्दी दिखा दी जाए, आपके पास 100 किलोमीटर 134 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ, उससे ज़्यादा प्रोक्योर करना मुश्किल अभी के टाइम में 7 सीटर में इस गाड़ी को। नहीं, मैंने भाइयों को बताया भी है कि ये मुश्किल है, जहाँ भी मिल रहा है मैं इनको दिखा रहा हूँ। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा नामुमकिन है, हम लोगों को 6-6 महीने लग जा रहे हैं इसको प्रोक्योर करने में। लास्ट टाइम हमने जनवरी में दिखा था TUV। सही बात है, और व्हाइट कलर में वापस से आप लोगों के लिए TUV लेकर आ गए हैं, BR02 गया नंबर, गया नंबर, ऑनरशिप होने वाली है फर्स्ट
17 की लास्ट की रजिस्ट्रेशन है, गैजलेस रजिस्टर्ड है, डीजल वेरिएंट पे ये गाड़ी है, ट्यूबिटेड और T4 प्लस वेरिएंट है। कितना चला होगा ये गाड़ी? चले हुए मात्र 36,000 किलोमीटर, मात्र और मात्र 36,000 चली हुई आप देख रहे हैं। ट्यूबिट 300 भाई व्हाइट कलर में बहुत ही अच्छी दिखती है, क्योंकि जो इसके जो बाकी के डिजाइन है ना वो समझ में आते हैं भाई। सामने से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है BR02 जैसा भाई ने बताया है भाई। नेक्स्ट टू न्यू बोलेरो नियो। अच्छा, दिस कार रियली कंपेयर, मतलब ये गाड़ी बिल्कुल नए बोलेरो नियो की टक्कर देती है। कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल भाई। तो बोलेरो नियो जो आ रही है ना, आपको ही पता है सेम चेजी शेयर करती है भाई, सेम केबिन सारा कुछ भाई सेम ही शेयर करती है, बस रीनेम हो चुकी है भाई ट्यूबी 300 बोलेरो नियो के नाम से। इसका आप इंटीरियर देख सकते हैं दोस्तों, आपको एयर बैग देखने को मिलता है, चारों पार विंडो देखने को मिल जाता है भाई। और ये पूरा गाड़ी भाई आप देख पा रहे होंगे अभी स्टॉक कंडीशन में है। मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, पीछे इसका स्टेपनी आता है और कहीं ना कहीं भाई ये सूट भी करता है इन सब गाड़ियों पे। तो ट्यूबी 300 2017 के आखिरी का है, किलोमीटर आपको बता दिया गया है। हर्ष भाई कितने की दे देंगे आप ये बताइए? एक सिंगल रेट लेंगे और वो भी पूरे मार्केट से कंपेयर आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, 580,000 रुपये, 580 की 17 मॉडल आपको दे देंगे ट्यूबी 300 भाई। भारे में चलाना, सेवन सीटर कार, सही बात है, सीटर वो भी महिंद्रा की। तो भाई ट्यूबी 300 जो भाई लोग ढूंढ रहे थे मैंने आखिरकार आपको दिखा ही दिया है। लेना चाहते हैं इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, अभी के टाइम में ये गाड़ी थोड़ी सी रेयर है, तो जो भाई एक ही पीस है जो पहले कॉल करेंगे उनको मिलेगी। अब यहाँ से ना कहीं भाई चॉइस नंबर का भी सिलसिला स्टार्ट होगा। लोग कहते हैं ना चॉइस नंबर देखना है तो फॉर्च्यूनर देखनी होगी, रेंज रोवर देखनी होगी, इंडेवर देखनी होगी, लेकिन चॉइस नंबर आपको फोर्ड की इको स्पोर्ट पे मिल जाती है। चलिए, और सिर्फ यही नहीं, आज हमारे पास दो गाड़ियां चॉइस नंबर के साथ है। बिल्कुल भाई, दोनों में 0 और 1 का कुछ ना कुछ आपको मिक्सअप दिखेगा। बिल्कुल यही मिक्सअप है, और 2016 के अक्टूबर की गाड़ी BR02 PA02 गया से रजिस्ट्रेशन है। बहुत बढ़िया, दोनों गाड़ियां गया जिले से रजिस्टर्ड है, फर्स्ट ओनरशिप पे गाड़ी, पेट्रोल वेरिएंट पे ये गाड़ी है, चली हुई है 38,000 किलोमीटर और माइलेज में ही होगी, पेट्रोल वेरिएंट पेट्रोल में। माइलेज की बात कर ले तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको 16-17 की माइलेज देती है, 16-17 की माइलेज देती है भाई। VIP नंबर भी आप देख रहे हैं, और इस गाड़ी का जो इंजन रिफाइनमेंट है, जो फोर्ड के इको स्पोर्ट ओनर है ना, अगर आपके यार दोस्त उनसे आप पूछ सकते हैं कितनी रिफाइन इंजन और कितनी भाई ये मतलब कह सकते हैं रिलायबल कार है, कि सालों साल चलाइए आपको किसी भी तरह की इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कहीं से भी एक पेंच का भी आवाज़ नहीं आता है भाई। इसकी फिट एंड फिनिशिंग भी बहुत कमाल की होती है। खैर हम लोग सामने से देखते हैं भाई, ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है, सारे फीचर के साथ आती है। भाई ने पूरा डिटेल दे दिया है कि 16 के अक्टूबर का 38,000 चला हुआ है। टायर की कंडीशन आपके सामने है दोस्तों, टर्न इंडिकेटर आ जाता है ORVM के ऊपर में, उसके साथ साथ बात करते हैं क्या कुछ अंदर आपको देखने को मिलता है। तो एक चीज भाई फाइनल होता है, आप नहीं भी खोलेंगे गेट इसका पहले आपको पता होगा कि इसमें आपको एयर बैग पक्का देखने को मिलेगा। तो एयर बैग आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे भाई, सीट वगैरह की आप कंडीशन देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं उतना ही स्पेस इसमें भी मिलता है भाई जितना आपको डस्टर में भी देखने को मिलता है भाई। तो एक कॉम्पैक्ट SUV आप चाह रहे थे कार, रिलायबल भी चाहिए, बजट कम बजट पे चाहिए, तो ये रेट और बजट का जहाँ मामला आता है तो वो फुलफिलमेंट आपको H&N ऑटोमोबाइल से ही हो सकता है। सही बात है, वो तो भूख अगर है आपको भाई, अपनी 3 साल से चली आ रही इतिहास है कि अगर रेट कम चाहिए तो आपको विजिट करना होगा H&N ऑटोमोबाइल। बिल्कुल भाई, तो कम रेट में कार चाहते हैं आप, उसकी ही आपको भूख है, तो वो भूख भाई H&N ऑटोमोबाइल पे ही मिटती है। और ऐसा कुछ नहीं है कि VIP नंबर गाड़ी है तो कुछ रेट आपको ज्यादा पे करने होंगे। अच्छा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, गाड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, इसके लिए आपको पे करने मात्र और मात्र 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए अगर आपको कुछ पैसे फाइनेंस कराने हैं, मतलब 50% डाउन पेमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं, बाकी रेस्ट अमाउंट हो जाएंगे। तो भाई 4.5 लाख रुपए की आपको ये 16 मॉडल फोर्ड इको स्पोर्ट मिलती है, और अमेजिंग कंडीशन में आप इसको देख पा रहे होंगे भाई। तो ये गाड़ी भी हमने आपको दिखा दी है, लेकिन अगली गाड़ी आपको दिखाएंगे भाई, बस पीछे मारुति सुजुकी का भाई वो बोर्ड नहीं लगा हुआ है शोरूम का, अदरवाइज ये गाड़ी भाई कह सकते हैं कि मारुति सुजुकी के शोरूम से ही आपको दिखा रहे हैं। शोरूम में डिलीवर होने के समय कोई भी गाड़ी की जो किलोमीटर होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 40-50 किलोमीटर की। बिल्कुल, क्योंकि वो यार्ड से चल के शोरूम पे चल के आती है, और इस गाड़ी की किलोमीटर है 134 किलोमीटर, मतलब शोरूम के बाद मात्र और मात्र 70-80 किलोमीटर गाड़ी चली। आप कह सकते हैं कि जिन्होंने गाड़ी को ओन किया था उन्होंने 50 किलोमीटर ड्राइव किया होगा, और 25-30 किलोमीटर हम लोगों ने ड्राइव किया होगा अपने स्टॉक एड पे लाने तक। सही बात है, तो भैया डिटेल दीजिए इस गाड़ी के बारे में थोड़ा। अब डिटेल ऐसे नहीं देना, डिटेल यही है कि गाड़ी
तीन महीने पुरानी है, 2023 के मार्च की गाड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? अभी गाड़ी की नंबर प्लेट आई ही है, नंबर प्लेट लगी भी नहीं है, नंबर प्लेट अभी गाड़ी में रखी हुई है। ठीक है, गाड़ी पे है कहाँ का? गाड़ी भैया 01 पटना से रजिस्टर्ड है। गाड़ी चली हुई है मात्र 134 किलोमीटर। अच्छा, वो भी भूल जाइए। आपने शोरूम में क्या देखता है नई गाड़ी में? भाई सीट पूरी पैक्ड होती है, नई सीट, नई स्टेपनी, गाड़ी बिल्कुल नई दिखती है। दिखाइए ना फिर। भाई पूरी वही दिखाने वाले हैं आज। चलिए भाई पहले इसका ना इंटीरियर देखते हैं दोस्तों कि आपको क्या मिलता भाई, है। भाई टाइम था ना जब हम लोग ना मारुति का स्मेल फील करते थे नई गाड़ी सही में। सही बात है भाई, इस गाड़ी में सब कुछ फील आना है। स्टेपनी तो बात की चीज है, सीट के भी अभी पन्नी पूरे लगे हुए हैं, पूरे सीट के पन्नी। ये आप देखिए, आपको स्टेयरिंग पे भी अभी पन्नी पूरी लगी हुई है, लोगों के ऊपर में सारे जगह, मतलब गाड़ी 134 किलोमीटर चली, इससे ज्यादा उसको क्या सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, आप देखें यहाँ भी पन्नी भाई वैसी लगा, उस साइड पे आप देख रहे हैं दोस्तों, इधर भी आप पूरा देख सकते हैं भाई। मतलब मैं बता नहीं सकता है क्योंकि मैं भाई कार वही आपको दिखाते रहता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टेयरिंग पे सारे कंट्रोल है। ये टॉप मॉडल है क्या? ये VXI प्लस है, सबसे टॉप ऑफ द मॉडल है। देख लीजिए भाई, क्योंकि टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा स्टेपनी दिखा दे क्या? चलिए भाई, स्टेपनी नहीं, गाड़ी की नंबर प्लेट भी अभी रखी हुई है। अरे बाप रे, ये देखो, ये है गाड़ी का नंबर प्लेट भाई, ऐसे ही लगा हुआ, अभी लगा भी नहीं हुआ है, ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए भाई, ये सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये स्टेपनी आप देख सकते हैं, ये आपको मार्का दिख रहा होगा भाई, जो न्यू स्टेपनी भाई अपने भाइयों को दिख रहा है, उनको पता है कि भाई पन्नी है, सब कुछ ऐसा है, तो फिर स्टेपनी का कोई जिक्र भी नहीं किया। सही बात है भाई, तो आप देख सकते हो ये गाड़ी भी आपको मैं दिखा रहा हूं। मतलब इसकी जो टायर भी लगी है ना, वो लग रहा है कि अभी टायर बस अभी फिट किया है हम लोग। ये देख सकते हो भाई, तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कि कभी कभी सेकंड हैंड कार में ऐसी डील आ जाती है ना किसी किसी डीलरशिप से कि आपके सर पे चढ़ जाता है वो कार, और कहीं ना कहीं हमारे भाइयों के भी सर पे होगा ये मिनी ब्रेजा अपनी एस्प्रेसो भैया, जो तीन महीने पुरानी, ढाई तीन महीने पुरानी गाड़ी, 134 किलोमीटर चली हुई, 134 किलोमीटर। बस दिक्कत यही था ना कि कस्टमर को मैनुअल ड्राइव समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, बस एकमात्र रीजन था इस गाड़ी को बेचने का कस्टमर का, कि उनको मैनुअल ड्राइव समझ में नहीं आ रहा था। लेडीज ऑनर थी, उनको गाड़ी को ड्राइव करना था, तो इसलिए उन्होंने गाड़ी को तुरंत सेल आउट किया है। ठीक है, एक मिनट और लेंगे, एक बार इसका बोनट ओपन करके देखें। बिल्कुल भाई, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तसल्ली से हर एक चीज, कि आप एक बार देखिए कि आपको बोनट भी मैं खोल के दिखाता हूँ, क्योंकि आप बहुत तरह की चीज़ें आप सोचते हैं अपने दिमाग में भाई, कि आपने बोनट भी खोल के दिखा दिया होता था और मज़ा आ जाता, तो वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये देखिए भाई, ये इसका बोनट का व्यू है, सारे स्टिकर आज ऐसे भी पड़े हुए हैं भाई, आज भी देखेंगे ये सारे स्टिकर की आप बात कर रहे हो, मतलब इंजन में भी ना अभी शायद गाड़ी की फ्यूल भी रिफिल नहीं हुई होगी दूसरी बार। सही बात है, जो फ्यूल एक बार भरी गई है। बिल्कुल भाई, जो एक बार डाला होगा वही फ्यूल पे आज भी होगा। तो एक चीज आप हमें बताइए, नए आती है ये कितने की? नई आती है अभी एग्जैक्टली 6,72,000 रुपए की। 6,72,000 रुपए की आती है नई। नई, और ये नई से कम है नहीं, लेकिन कीमत नई से कम देने वाले। अच्छा बताइए फिर, 6,00,000 रुपए? 6,00,000 रुपए में? 6,00,000 रुपए में एग्जैक्ट 6,00,000। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, इस गाड़ी को हम देने वाले हैं मात्र 4,99,000। क्या बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ये रेट होने वाला है। यही रेट होने वाला है भाई, 4,99,000 की ये डील आप लॉक कर सकते हो यहाँ से। उतने पैसे नहीं होंगे इस पे, लोन भी जम के होगा क्योंकि नई गाड़ी है। 50,000 रुपए पे लोन करा देंगे, 50,000 पे लोन, नेगोशिएशन नहीं करेंगे। अच्छा, रेट जो बताया भाई वही एक रेट रहेगा, और लेकिन एक चीज बता दो, ऐसा रेट दोगे ना आप, लोग नेगोशिएट भी नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे, तो भाई 4,99,000 की आप इस कार को परचेस कर सकते हो। मैं अगर आपके जगह पे होता मैं पक्का इस कार को ग्रैब कर लेता। इट्स अमेजिंग डील भाई, क्योंकि फिर ये इतनी कम चली हुई मिल जाती है, कम चली हुई 5,000-6,000 नहीं मिलती, लेकिन ये शोरूम वाली गाड़ी है। लोग अगर इसको अच्छे से तरीके से अगर खड़े कर दे तो शोरूम में खड़ी हो जाए। सही बात है, बिल्कुल भाई। अब हम लोग आते हैं भाई, क्योंकि उसी कार पे नहीं रह सकते, वैसे मन तो बड़ा था, लेकिन आगे आ जाते हैं। सेकंड कार विद VIP नंबर। सही बात है, मैंने बताया था ना कि लोग कहते हैं फॉर्च्यूनर एंडीवर चाहिए उनको VIP नंबर के लिए, लेकिन VIP नंबर पे अब हुंडई की ग्रैंड आइटन में हम दे रहे हैं। अच्छा, हुंडई की ग्रैंड आइटन स्पोर्ट्स स्पेशल एडिशन पे ये कार डुअल टोन में विद अलॉय व्हील एयरबैग, इंटीरियर भी इसकी इमेजिंग मिल जाने वाली है। बहुत बढ़िया, डीजल वेरिएंट पे ये गाड़ी है, तो इसकी माइलेज कहीं ना कहीं 24 और 25 के निकल के आने वाली है। 24-25 की माइलेज निकल के आने वाली है। एक बार ईयर और किलोमीटर हमें बताएं। 2018 मॉडल गाड़ी। अच्छा।
32,000 किलोमीटर ड्रिवन। ठीक है भाई, तो अब आप देख रहे हैं भाई 18 मॉडल 32,000 चली हुई ग्रैंड i10 VIP नंबर, VIP प्रोफाइल, माफ कीजिएगा थोड़ा सा जुबान अटक रहा है, धूप है ज्यादा, लेकिन VIP नंबर और VIP प्रोफाइल क्योंकि एक डॉक्टर प्रोफाइल से बिलोंग करती है ये कार। एलॉय व्हील आप चेकआउट कर सकते हो भाई, टायर की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भाई ने अभी बताया है कि आपको ऊपर में रूफ जो है ब्लैक दिखता है, क्योंकि भाई ये आपको ड्यूअल टूर में देखने को मिल जाती है। दिस इज द स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑफ ग्रैंड i10। उसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं कि इसका इंटीरियर आपको क्या कुछ ऑफर करता है। तो भाई इसमें आपको सारे फीचर मिल जाते हैं, क्योंकि टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आता है, स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स आ जाते हैं, उसके साथ साथ सेफ्टी के लिए आपको एयरबैग और सीट वगैरह की भी आप कंडीशन देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे आपको जो डोर पैनल है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो के लिए, और उसके साथ साथ ORVM लॉक अनलॉक करने के लिए। आते हैं हम लोग बात करते हैं 18 मॉडल 32,000 चली हुई डीजल वेरिएंट ग्रैंड i10, एक रेट लेकिन लिविट और ग्रैबिट वाला डील, 3,99,000, 3,99,000 में। लेकिन दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे फिर भाई, 3 VIP नंबर के साथ। सही बात है, तो 3,99,000 की आपको ये ग्रैंड i10 मिल जाती है। तो आप देखेंगे आज ग्रैंड स्टॉक एक चीज बोलना भूले है भाई। हाँ जी, इस एस्प्रेसो पे आपको कंपनी साइड से 2 साल की वारंटी अभी फ्री है। अच्छा, तो वो तो अभी क्लेमेबल ही है, कुछ भी नहीं है, फ्री सर्विस, फ्री वारंटी, सब कुछ अभी आपको मिलने वाला है। बहुत बढ़िया, चलिए भाई अब एक और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रेनॉल्ट की क्विड। रेनॉल्ट की क्विड अब वीडियो में नहीं आती है ना, तो शायद मजा नहीं आता वीडियो। सही बात है, क्योंकि द मोस्ट डिमांडिंग हैचबैक कार, बिल्कुल 2017 के दिसंबर की रजिस्ट्रेशन, BR01 पटना से रजिस्टर्ड, ओनरशिप होने वाली है फर्स्ट। ठीक है, चली हुई है गाड़ी 27,000 किलोमीटर, 27,000 चली हुई है 17 के दिसंबर की गाड़ी है। ठीक है, RXT वेरिएंट है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम इसमें मिल जाता है, बिल्कुल टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और भाई उसी की तो डिमांड अभी के टाइम है कि भैया हमें टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए भाई कि मेरी इंटरटेनमेंट बनी रहे। उसके साथ साथ ये इसका भाई साइड प्रोफाइल है, जहां पे सबसे पहले आपको मैं टायर दिखा दूं भाई कि टायर की क्या कंडीशन है। आगे का आपने देखा, पीछे का भी आप देख सकते हो, तो टायर इज इन एक्सीलेंट कंडीशन। उसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं इसके इंटीरियर की, आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, सीट कवर आप देख रहे हैं नीचे में लगा हुआ है, मैट स्टीयरिंग कवर भी आपने देख ही लिया है। तो आइए अब बात करते हैं भाई 17 के दिसंबर की, अगर रेनॉल्ट क्विड आपको पसंद आ रही है, क्योंकि ये भाई बहुत बजट फ्रेंडली कार है, तो मजा आएगा रेट सुन के। हर्ष भाई क्या रेट रखा है आपने? 2,75,000। 2,75,000 की भाई आप ले जा सकते हैं, तो ये गाड़ी आपकी। अच्छा, बाकी का लोन करा देंगे, बाकी का अमाउंट भाई आप लोगों के लिए लोन करा देंगे दोस्तों। तो रेनॉल्ट क्विड भी आपने देख लिया है, अब क्योंकि भाई कुछ गाड़ियां उस साइड पे, तो रोड क्रॉस करके उधर की गाड़ी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो भाई अभी आपने देखा था क्विड, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी इधर की जो गाड़ियां लगी हुई है ना, और भी बहुत कुछ दिखाने के लिए है भाई जो वीडियो में आपको दिखाएंगे। और इस साइड पे कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? इधर से भाई आज हमारे पास लू मॉडल में कम बजट में दो गाड़ियां ऐसी है ना जिसको आज 20 मॉडल गाड़ी भी टक्कर दे सकती है। 20 मॉडल ऐसा बात है? ऐसा बात नहीं है, दिखाएंगे हम ऐसी चीजें, दिखाएंगे ऐसी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई। दो गाड़ियां आई हैं, आप जब देखेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे भाई इतनी कम चली हुई, इतना बचा हुआ गाड़ी कहां से लेकर आ रहे हैं। आई मीन मिंट कंडीशन 2014 मॉडल ऑल्टो कैटेन VX आई। अच्छा, उसमें मिल जाता है आपको डबल पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, AC हीटर, मतलब जो फीचर्स चाहिए वो मिल जाती है एक ऑल्टो गाड़ी में, केटन में। ठीक है, 2014 की रजिस्ट्रेशन है, चली हुई है मात्र 32,000 किलोमीटर, 14 आज भी दावा करते हैं इसके सर्विस रिकॉर्ड का। बहुत बढ़िया, BR01 CB3732 आप नंबर चेक कर सकते हैं, 2014 की रजिस्ट्रेशन है, ऑनरशिप होने वाला है फर्स्ट ऑनरशिप पे, 14 मॉडल। और गाड़ी आप देखे भाई, और गाड़ी का गाड़ी नहीं चारों टायर भी एक बार देखे अच्छे से। अच्छा ठीक है भाई, तो आपको मैं टायर वगैरह की भी कंडीशन दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिए। पहले गाड़ी देखिए आप, आपके आंखों को भाएगी भाई इस कंडीशन में। ये गाड़ी पटना का नंबर है, फर्स्ट ऑनरशिप पे आज भी है, 14 मॉडल 32,000 चली हुई। अंदर से भी मैं आपको भाई अंदर देख लें, बाहर गाड़ी दिखने वाली आपको पूरी नई। सही बात है यार, और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना भी चाहूंगा, नॉलेजेबल है, जहां से आप देख पाएंगे कि गाड़ी क्या है क्या नहीं। तो आप देखेंगे जब इसका इंटीरियर ना, तो आपको पता चलेगा कि रफली यूज अगर गाड़ी होती है ना भाई, तो इस तरह का नहीं रहता है, वो स्क्रैच्ड आपको फील होगा पूरे इंटीरियर में। लेकिन आप देखें इसका इंटीरियर, इवन आप समझ सकते हैं इससे भाई कि नेक रेस्ट भी यहाँ पे लगाए हुए कस्टमर, तो किस लहजे से मेंटेन किया है। तो अगर कोई आपके यार दोस्त लेना चाहते हैं कम बजट में बची हुई गाड़ी, या फिर आप खुद लेना चाहते हैं, हे इज़ द डील भाई, क्योंकि आपको इसका प्राइस भी बहुत कम देने को मिलेगा, उसके साथ साथ भाई गाड़ी भी आपको बढ़िया मिल रही है। कीमत बताइए फिर भैया इसके लिए, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी है, बहुत मिंट कंडीशन में है, तो पैसे एक्स्ट्रा पे करने नहीं। अच्छा, अब हमें डील ही करनी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्स में। ठीक है, इसके लिए आपको पे करने हैं मात्र 2,40,000 रुपये। 2,40,000 में आप इस कार को अपने घर लेकर जा सकते हैं। जिन भी भाइयों को पसंद आ रही होगी, एक बार कॉल मिला लीजिएगा इन सब गाड़ियों के लिए भाई, कम लेकर आप
सकते हैं, लेकिन बची हुई गाड़ी भाई इस तरह की गाड़ी लो मॉडल में ये लेकर आते हैं, नहीं तो आप देख ही रहे ऊंचा मॉडल आपको दिखाते हैं। इग्निस की बात करते हैं थोड़ी। इग्निस जेटा सबसे टॉप ऑफ द लाइन 2018 की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी चली हुई 33,000 किलोमीटर, ठीक है भाई। बीआर 38, अब 18 मॉडल गाड़ी 32-33 चली है तो वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये 14 की गाड़ी 32 चली थी वो भी बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जेटा सबसे टॉप ऑफ द लाइन 2018 की रजिस्ट्रेशन, बीआर 38, बिहार अररिया जिले से रजिस्टर्ड है, अररिया का नंबर है। गाड़ी चली हुई है 33,000 किलोमीटर, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट में भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी की नेक्सा इग्निस। मैं इसको खतरनाक गाड़ी कहता हूँ भाई मारुति सुजुकी, क्योंकि जो लुक आती है मुझे नहीं लगता कि भाई इस प्राइस ब्रैकेट में इस लुक के साथ में कोई गाड़ी आती है। आप सामने से देखेंगे बहुत ही फुलफिलमेंट फील होती है भाई, पूरा आगे का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो। अगर आप लेना चाहते हैं भाई एक अच्छी लुक वाली भी कार ना, आप इस कार के लिए जा सकते हैं। ये स्टेपनी टायर लगाया, अदरवाइज मैं आपको दिखा दूँ, चारे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। पीछे से आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर रियर वाइपर डिफॉगर सब कुछ मिल जाता है दोस्तों, उसके साथ साथ यहाँ पे स्पॉइलर भी लगा हुआ है, रियर स्पॉइलर। इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर में आपको उस बटन स्टार्ट मिल जाता है। आप देखेंगे भाई गाड़ी का क्या इंटीरियर है, ड्यूअल टोन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चारों पावर विंडो मिलता है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं भाई बॉडी कलर से आपको मैच करते हुए दिखेगा। उसके साथ साथ आप यहाँ पे सीट वगैरह की भी आप कंडीशन देख सकते हैं भाई। तो ये है मारुति सुजुकी की इग्निस 2018 रजिस्टर्ड, 33,000 किलोमीटर चली हुई, ऑनर से फर्स्ट ऑनरशिप होने वाली है, फर्स्ट किसी गाड़ी के लिए, लगभग सारी गाड़ियों की ऑनरशिप होने वाली है फर्स्ट, ठीक है। गाड़ी टॉप मॉडल है तो भाई बाकी फीचर्स तो आप अंदर में दिखाई दिए हो, इसके लिए पे करने होंगे मात्र 4,40,000 रुपए। इग्निस दे रहे हैं आप इस रेट में, क्या भाई टॉप मॉडल दे रहे हैं, ऑनरशिप फर्स्ट दे रहे हैं, नॉन एक्सीडेंटल की भी गारंटी दे रहे हैं भाई। तो ये सब कुछ आपको मिल जाती है यहाँ पे HM ऑटोमोबाइल पे। इग्निस आपने देखा भाई, अंडर 5 लाख ब्रैकेट आपको 18 मॉडल टॉप मॉडल मिलती नहीं है कहीं पे। अब देखे एक आपको दिखाया हमने अभी ऑल्टो K10, अब लेकर आया जैन स्टोर भाई, इसमें मैंने अभी घूमा है, मुझे आज की सबसे लो मॉडल गाड़ी, सबसे लो मॉडल गाड़ी मतलब सबसे कम ईयर की गाड़ी, अच्छा, लेकिन सबसे बीस्ट होने वाली ये गाड़ी आज, अच्छा बताइए, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसको कह सकते हो आप। 2010 की रजिस्ट्रेशन, 10 के अक्टूबर की रजिस्ट्रेशन, ऑनर से फर्स्ट, ये थी एक प्रीमियम प्रोफाइल की गाड़ी, अच्छा ये थी एक प्रीमियम प्रोफाइल की गाड़ी। ये चली कितनी है भैया? चली हुई 28,000 किलोमीटर है, 28,000 मात्र चली हुई है 2010। ब्रांड न्यू चारों टायर देंगे गाड़ी की, ब्रांड न्यू और इंटीरियर अंदर बैठने के बाद ना आप फील कर सकते हो कि क्या ये गाड़ी है। बहुत बढ़िया भाई, तो मैं आपको अभी अच्छे से दिखाऊंगा इस कार को। फ्रंट प्रोफाइल देखिए, मैं दावा करूंगा कि भाई अगर चारों टायर भी कस्टमर देखेंगे ना, या अंदर हो बाहर हो, लोग कहते हैं ना कि ज्यादा चलने के बाद गाड़ी की ब्रेक पैडल घिस जाती है, गियर पैडल घिस जाती है, भाई इसकी सब नहीं लग रही है भाई, सब कुछ आपको मिलेगा ब्रांड न्यू, एक एक करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई मैं इंस्पेक्ट आप लोगों के लिए करता हूँ गाड़ी को बढ़िया से। फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको बैक प्रोफाइल जल्दी नहीं दिखाता, वो भी दिखाऊंगा, उससे पहले टायर की कंडीशन आप देख लीजिए। और भाई चलिए ना थोड़ा सा मैं आपको पीछे से भी दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी आप पीछे सब जब देखेंगे ना, तो आपको फील होगा कि ये गाड़ी भाई एक्चुअल में मेरी ड्रीम कार बन सकती है, जिसको मैं लेना चाहता हूँ, कम पैसे है मेरे पास। आप देख लीजिए, ये इसका साइड प्रोफाइल है, ऐसे स्टैंडिंग नहीं आती, इतनी साफ सुथरी आपको टेल लाइट नहीं देखने को मिलती है, इतना बढ़िया हेडलाइट नहीं मिलता है भाई देखने को, साफ और नीट एंड क्लीन। अब बात करते हैं इंटीरियर की, क्योंकि भाई जो राज खोलता है ना गाड़ी के बारे में, वो उसका इंटीरियर ही खोलता है, और मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ इसका इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर देख के आपको काफ़ी कुछ गाड़ी के बारे में पता लग जाता है। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हर्ष भाई ने भी बोला कि आप इसका पैडल देखिएगा, तो सारे पैडल अभी आप देखेंगे भाई वैसे ही है जैसे शोरूम से निकल के जब 20-30 हज़ार गाड़ी चलती है, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे में मैट लगा हुआ है, डोर पैनल से लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ पे। तो अगर आपके पास कम पैसे है ना, तो जनरली भाई ऐसी गाड़ी देखने को तो नहीं मिलती है, जो सच्चाई है 1.5 लाख रुपए लगाइएगा वैसी गाड़ी मिलती है। लेकिन ये गाड़ी भाई आपको बहुत ही कम पैसे में वैल्यू फॉर मनी कार बनने वाली है। जैन स्टीलो 1.5 लाख मुंह से लेकर निकल गया, उसके आसपास में दे दीजिए फिर 1,45,000 रुपए, अच्छा 5,000 और कम करके दे। चलिए भाई, तो और भाई ये जेन्युइन जो कार है ना, आपको लेना हो ना लेना हो कोई बात नहीं, अगर आप बाइक के लिए थिंक कर रहे हो एक बार विजिट जरूर करना, अगर रहे गाड़ी तो एक बार जरूर देखना। बिल्कुल भाई, अगर ये वैल्यू फॉर मनी या नहीं है, सही बात है भाई, और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, 1.5 लाख में आप ऐसे उम्मीद लगा के तो नहीं निकलते कि बढ़िया गाड़ी मिले, लेकिन ये गाड़ी एक्चुअल में आपको 1.5 लाख प्राइस फिगर में बहुत बढ़िया है। हर्ष भाई यहाँ से एक गेम खेले क्या, छोटे से समय में, बिल्कुल 2 से 3 या 4 मिनट में कम से कम 6-7 गाड़ियाँ बिल्कुल दिखाएंगे और थोड़ा सा रफली दिखाएंगे हम लोग, मतलब इंटीरियर नहीं दिखाएंगे लेकिन मॉडल
ईयर सब 2018 मॉडल महिंद्रा KUV K2 पेट्रोल वेरिएंट पे ये गाड़ी, BR02 गैस रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनरशिप पे ये कार, ठीक चली हुई है 32,000 किलोमीटर, मिल जाएगी आपको मात्र 1,25,000 के डाउन पेमेंट पे। कीमत बताइए अगर आपको चाहिए ये गाड़ी, इसकी फुल ब्रैकेट कैश प्राइस में चाहिए तो 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए में एक एस्प्रेसो। अभी हम थमे नहीं, एक एस्प्रेसो बाहर दिखाएं, एक एस्प्रेसो अंदर दिखाएंगे। 2020 मॉडल गाड़ी, BR01 पटना से रजिस्टर्ड, ठीक गाड़ी चली हुई 34,000 किलोमीटर। अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले जा सकते हैं 50,000 के डाउन पेमेंट पे। फुल प्राइस की बात करें तो इसके लिए पे करने होंगे 3,99,000 रुपए। बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी भैया स्विफ्ट लवर्स कहीं जाना मत, स्विफ्ट एक नहीं दो दो देंगे, ठीक है। 2012 मॉडल गाड़ी, डीजल वेरियंट, मतलब VDI वेरियंट पे ये कार चली हुई 45,000 किलोमीटर, फर्स्ट वर्ष पे होने वाली है गाड़ी। डीजल मतलब माइलेज आपको 20 और 25 के बीच का होने वाला है। सही बात है। तो भाई इसके लिए आपको पे करने हैं मात्र 2,99,000 रुपए। 2,99,000 पुरानी से। अभी हम सबसे थमे नहीं है, नई पुरानी वाली वर्जन, नई वाली वेरिएंट 2021 मॉडल, 18,000 किलोमीटर चली हुई। अच्छा, अब लोग गाड़ी तो जरूर देखते हैं लेकिन पेपर के बारे में थिंक आउट नहीं करता। ऑनरशिप बता दूं, ऑनरशिप होने वाला है फर्स्ट 2000 तो नहीं, एक्चुअल में फर्स्ट ओनरशिप पे ये गाड़ी चली हुई 18,000 किलोमीटर, कोई मीटर टैंपरिंग नहीं, उसकी गारंटी, ठीक गाड़ी फर्स्ट ओनर इसकी भी गारंटी देंगे। आप आइए पहले पेपर वेरीफाई कर लीजिए, गाड़ी चली हुई 18,000, इसके लिए पे करने होंगे मात्र आपको 1,25,000 रुपए डाउन पेमेंट। अगर फुल प्राइस की बात करें तो 6,45,000 रुपए। 6,45,000 भाई, बची हुई गाड़ियां आपको दिखाते चलेंगे। अभी नहीं था भाई, 2014 मॉडल वैगनर, मारुति की आज ना हेक्टिक दिखाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, 2014 मॉडल वैगनर VXi, मतलब उस समय की टॉप ऑफ द वेरिएंट है। चली हुई गाड़ी 40,000 किलोमीटर, ओनरशिप होने वाला फर्स्ट गाड़ी, VIP नंबर के साथ 8222। आप देख लीजिए, मतलब आज आपको ये तीसरी गाड़ी VIP नंबर दिखाया, 8222, ओनरशिप फर्स्ट चली हुई है 40,000 किलोमीटर, इसके लिए पे करने होंगे 2,95,000 रुपए। ठीक है, आगे आइए, एक और बताइए। एंड वन ऑफ द लास्ट बीस्ट स्टेफनी एंड यूज्ड कार, 2020 मॉडल चली हुई 18,000 किलोमीटर, ठीक Datsun Redigo T, ये न्यूएस्ट वर्जन है Datsun Redigo का। चली हुई गाड़ी 18,000 किलोमीटर, T1.0 एक लीटर इंजन वाली, इसके लिए आपको पे करने होंगे मात्र 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए। और इसी तरह से भाई अनगिनत गाड़ियां इनके पास होती है, आप उस साइड पे भी देख रहे होंगे, सेड के नीचे इस साइड पे भाई उस साइड क्या दिखाना, लास्ट वीडियो में दिखाया था 11 गाड़ी, अभी हमारे पास मात्र बचे उसमें के 3 गाड़ियां, बाकी हमने 8 गाड़ियां बेच दी। बिल्कुल भाई, तो अब एक बार वापस से बताइए हमें एड्रेस, क्योंकि गाड़ियां बहुत जबरदस्त थी आज। एड्रेस जो होने वाला है वो पटना एम्स हॉस्पिटल से 200 मीटर आगे मेन हाईवे, पटना औरंगाबाद वाले हाईवे पे आपको मिल जाएगा अपना स्टॉक यार्ड। बिल्कुल, बाजू में है शिवम हुंडई, ठीक सामने में हरिनगर, फिर आपको मिल जाएगा आपका HN ऑटोमोबाइल। सही बात है भाई, शिवम हुंडई के भाई जस्ट बाजू में आपको देखने को मिल जाता है HN ऑटोमोबाइल भाई। तो अगर आप इसमें से कोई सी भी गाड़ी पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको पसंद आ गई है भाई, परचेस करना चाहते हैं भाई, तो आप यहाँ पे विजिट कीजिए, गाड़ी पसंद कीजिए और अपनी मन पसंदीदा गाड़ी को अपना बनाइए भाई। नंबर स्क्रीन पे है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा भाई, तो अगर जिन भाइयों को भी लेना होगा आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। नंबर दे दिया भाई, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया भाई। अगर पसंद आएगी वीडियो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, आएगी क्या, आई ही होगी भाई, क्योंकि 200 किलोमीटर भी नहीं भाई, 135 किलोमीटर चली हुई आपको पन्नी पैक गाड़ी आपको आज की इस वीडियो में मैंने दिखाया है। अप्रिशिएट करना चाहते हैं लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आज की फेवरेट गाड़ी कौन सी थी भाई। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।